ये बात तो ककरी ना दिखा के ले आओ, ये बात तो ककरी ना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना क्या ख्वाहिश होती है दुनिया, दिल की कोई दौलत नहीं चाहिए, क्या होती है मुलायदा फरमाया, ये बात तो ककरीना दिखा के ले आओ, ये बात तो ककरीना दिखा के ले आओ, वहां से खुद खजीना दिखा के ले सजाया करते हैं, जन्नत को सजाया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते किसके लिए जन्नत सजाया करते हैं, मिसरे साने में सुने के अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते मुख्तार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, जो लोग नबी की उल्फत में मिलाद मनाया करते, हथियार न खंजर वाले हैं, हथियार न खंजर वाले हैं, हथियार न खंजर वाले हैं, हम लोग बहत्तर वाले हथियार खंजर वाले हैं, हथियार खंजर वाले हैं, हम लोग बहत्तर वाले हैं, हम लोग बहत्तर वाले
नचाया करते हैं, वो गली पे नचाया करते हैं। हम लोग यजीदी लश्कर को गली पे नचाया करते हैं। सैयद के अदब का दर्स मिला जब हमको बरेली वाले ने, सैयद के अदब का दर्स मिला, सैयद के अदब का दर्स मिला, सैयद के अदब का दर्स मिला जब हमको बरेली वाले से, कि सैयद के अदब का दर्स मिला जब हमको बरेली वाले से, जब हमको बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जो लोग मना करते वो कितने नसीब वाले हैं, वो कितने नसीब वाले हैं, वो कितने मुकद्दर वाले हैं, वो कितने मुकद्दर वाले शरीयत वाले हैं, हमसे न उलझना नजदी, हमसे न उलझना नजदी, हम शेर नेपाल वाले हैं, हमसे न उलझना, हम जैश मोहम्मद वाले हैं, हम जैश मोहम्मद वाले हैं, हमसे न उलझना नजदी, हम ताज शरीयत वाले हैं, हमसे न उलझना नजदी, हम जैश मोहम्मद वाले हमसे न उलझना नजदी, हमसे न उलझना नजदी, रब्बो सता रिसालत को हम सब, रब्बो सता रिसालत को हम सब, सब मिट्टी जो लो नबी
अल्लाह के जलील कदर व महबूब पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने रूहुल्लाह का खिताब दिया। हजरत ईसा फरमाते हैं, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इस वक्त हमारे सामने पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मरकजी अकीदत, खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग हुजूर अशरफ सारे तस्लीम रज़ा खान साहब के लाजवाब फौज हैं। आप इन्हें देखिए, इन्हें देखने के बाद इंशाअल्लाह हुजूर रिहाने मिल्लत की याद आएगी। हुजूर रिहाने मिल्लत को देख के सरकार मुफ्ती आजम हिंद की याद आएगी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखिए, आला हजरत की याद आएगी। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो दे। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे। हुजूर शाह कारी तस्लीम रजा साहब का जलवा अफरोज है, खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग हुजूर शहजादा शेर नेपाल, हुजूर नाइबे शेर नेपाल मिंबरे नूर पे जलवा बार हैं। आइए अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं बोल दे सुभान अल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। हजरात कल से लेकर आज तक पूरी दयानतदारी के साथ, बहुत ही खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आपने जलसा सुना है। कितना खर्च हुआ है, बहुत सारी तहरीक मिली है, बहुत सारे पैगाम आपको मिले हैं। कमाल तो जब है कि आप उन बातों पे अमल करें जो यहाँ से आपको बताया गया है। अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो हम ये समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं। हमारे बुजुर्गों की जो हाजिरी है, हमारे बुजुर्ग हजरात अपनी हाजिरी में वो कामयाब हैं, और ये जो रात जाग रहे हैं इनकी हाजिरी और इनका रात जागना भी कबूल है। शर्त यह है कि आप कबूल फरमा लें, आप उस पर अमल कर लें तो यकीनन हम कामयाब हैं, आप कामयाब हैं। आइए, रात का आखिरी पहर है, आखिरी वक्त है, बल्कि यूँ कहिए जलसा आखिरी वक्त में पहुँच गया है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जलसा बिल्कुल तहज्जुद के वक्त में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो आपकी दुआएं होंगी इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए अकीदत के साथ और मोहब्बत के साथ, अदब के साथ बैठ जाइए। मैं इस वक्त ये चाहूंगा कि इस जलसे की अहम करीदी किरदार अदा करने वाले शायर शायर इस्लाम मत्ताए रसूल जनाब असगर इमाम आसफी से गुजारिश करूंगा। चूंकि कल से लेकर आज तक वो सिर्फ दूसरों को पढ़वाते रहे हैं, लेकिन आज सबकी मुश्तरका ख्वाहिश है कि कम से कम दो शेर से वो सरफराज करते, उसके बाद जनाबे नदीम रजा फैजी होंगे, जनाबे शहबाज नूरी होंगे। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जलसे में आइएगा तो कम से कम टोपी पहन के आइएगा। टोपी नहीं समझते हैं, रुमाल को लगा के आते मेरे भाई, इतना तो ख्याल करते आप। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल।